All right, quickly we will do the reading for मुनव्वर फारूकी का कर लेते हैं. दिस मंथ आने वाला जुलाई कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए, उसका महीना. डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज गेट सम गाइडेंस फॉर मुनव्वर फारूकीज फैन. जुलाई का महीना, हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर हिम? कैन द डिसीजन मेकिंग, कुछ कंफ्यूजन है क्या उसे? टू ऑफ कप्स में ही डिसीजन मेकिंग आ रहा है. कुछ चीजें पता चल रही हैं जिससे डिसीजन मेकिंग कंफ्यूजन हो रहा है. टू ऑफ कप्स से रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है. फिर से यहाँ पे ये वाला कार्ड कंसिस्टेंट है. किसी तरह का कंफ्यूजन तो डेफिनेटली उसे हो रहा है. कुछ डिसीजन मेकिंग, अभी तो उसने शादी की है, अभी कितना डिसीजन मेकिंग करेगा वो. राइट, क्वीन ऑफ सोर्ड. कोई किसी ने क्वीन ऑफ सोर्ड बन करके उसको शायद अलग कर दिया है, क्या पता नहीं. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर गाइडेंस कमिंग फॉर फारूकी, मुनव्वर फारूकी. यहाँ पे क्या है, ये है आने वाला महीना. यहाँ पे देखिए, थ्री ऑफ बिग टाइम, थ्री ऑफ सोर्ड एट द बैक ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्ड. यानी कि मुनव्वर फारूकी कि तो अभी शादी हुई है, इतना हर्ट उसको नहीं फील होना चाहिए था, इतना ट्रैप्ड उसको फील नहीं होना चाहिए था. बट हाँ, उसका दिल पता नहीं क्यों टूटा हुआ है यहाँ पे. अगर हम यहाँ तो यहाँ से ही ऑपरेट हो रहा है ना, दिल में तो कोई चीज टूटा हुआ है अंदर में. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स में है. यस, अभी आने वाले महीने में जो जुलाई का महीना है, बहुत क्लैरिटी उसे नहीं मिल रही है. किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स है, यानी कि किंग ऑफ वॉन्स कौन होता है? जो बहुत ही क्लियरली अपनी चीजों को देख पाता है, उसे क्या करना है नहीं करना है, उसे कहाँ जाना है, एक क्लियर प्लान रहता है उसके सामने में. कॉन्फिडेंट भी काफी रहता है, पैशनेट भी काफी रहता है, प्लानिंग में अच्छा रहता है, एक्शन करने में अच्छा रहता है. लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में है तो ये सारी चीजें ही क्या हो रही हैं, अपसाइड डाउन हो रही है, धूमिल हो रही है. यानी कि उतना एनर्जी नहीं, उतना एक्साइटमेंट नहीं, उतना प्लानिंग करने का नहीं, उतना लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा है. अब ये सब समझ में आ सकता है क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में किसी तरह का हर्ट छुपा के बैठा है शायद. एनीवेज, अब वैसे तो शादी की है इसने तो खुश ही रहना चाहिए, लेकिन जो कार्ड आ रहा है मुझको, मेरा काम है वही कार्ड्स को पढ़ना, तो वही करूंगी. और ही इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग समवेयर. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि है ना, जैसे कि आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि आप किंग ऑफ वॉन्स हो, पैशनेट हो, प्लानिंग है, ऑफ काम करना है तो काम करना है. बट हाँ, कुछ काम करने में जैसे कि अनमना ढन है, अनमनापन है. ओवरऑल एनर्जी भी किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स की ही है, जैसे कि थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फीलना, बहुत एक्साइटमेंट नहीं फील करना, ये सारी चीजें हो रहा है. बट काम करने में भी ऐसा है कि ही इज नॉट लुकिंग वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट एनी वेज, मोस्ट ऑफ द टाइम आने वाला महीना वो अपने काम पे ही फोकस करने वाला है ना. ये उसकी एनर्जी हो गई, नॉट वेरी एक्साइटेड, नॉट वेरी मोटिवेटेड, नॉट लुकिंग फॉरवर्ड. वाई, यहाँ पे आंसर है उसका. बट मोस्ट ऑफ द महीना क्या करने वाला है? चुपचाप बैठ के अपना काम करने वाला है. एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, शादी कर ली है, जो भी है, दुख भी है, कोई बात नहीं है. अब वो चुपचाप बैठ के अपना काम करने वाला है, टीम के साथ जो भी उसका वर्क है ना, उसी पे वो काम करने वाला है, और कुछ खास करने वाला नहीं है. यहाँ पे बीच में वही मोटा मोटा जो मेजर एनर्जी है वो यही है. हालांकि इस डिमोटिव, मानी कि किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, यानी कि उतना जोश के साथ काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक, यू कैन अंडरस्टैंड. तो बस है कि जाएंगे काम करेंगे आएंगे, जाएंगे काम करेंगे आएंगे. तो ये मेजर एनर्जी हो गई. अब यहाँ पे एस ऑफ कप में किसी तरह की बिगनिंग आ रही है. ओके, तो इस मंडेन चीज को जो हम डेली डेली जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड होके, हर्ट लेके, वहां पे डेफिनेटली एस ऑफ कप के साथ कुछ एक नया बिगनिंग आ रहा है. अब किस तरह का ये बिगनिंग आ रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी तरह की बिगनिंग आ रही है. बट एक एस ऑफ कप है, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट ही विल लव इट. कैन वी गेट लिटल मोर आइडिया डियर एंजल्स, व्हाट टाइप ऑफ बिगनिंग इज कमिंग इन हिज लाइफ? कैन वी प्लीज गेट सम आंसर्स, किस तरह की बिगनिंग आ रही है? एस ऑफ, देखो यहाँ पे टू ऑफ कप्स इन रिवर्स में फिर से. आई विल टेक जस्ट वन कार्ड, नॉट टू मेनी कार्ड्स. क्वीन ऑफ सोर्ड शफल करते वक्त कितनी बारी आई है, और यहां पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड आ गई है. राइट, ओके. तो क्वीन ऑफ सोर्ड तो वो होती है जो कि शी इज वेरी ब्लंट ऑन द फेस, टेक टफ डिसीजंस.
और ये कहीं ना कहीं मुझे मनारा वाली एनर्जी लग रही है। तो एस ऑफ कप के पीछे मनारा है, क्या मनारस के साथ कुछ दोस्ती होने वाली है? ऐसा ही तो कुछ लग रहा है, क्योंकि द वे आई वॉज शफलिंग द किंग ऑफ, यू नो, वेन आई वॉज शफलिंग द क्वीन ऑफ सोर्ड केप्ट ऑन कमिंग इन, और एक्सक्यूज मी, क्वीन ऑफ सोर्ड को लेके भी टू ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, एक बार क्वीन ऑफ सोर्ड, एक बार टू ऑफ सोर्ड, फिर एक बार टू ऑफ सोर्ड, फिर टू ऑफ कप्स, फिर टू ऑफ सोर्ड, फिर कुछ कुछ आ रहा था। बट एनी वेज, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो वो सारी चीजें पता चल गई हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्ट भी है, वी के नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट की हर्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है कि क्या मुनारा से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हर्ट तो वो फील कर ही रहा है, क्या मुनारा से दोस्ती करनी चाहिए। पर क्वीन ऑफ सोर्ड क्या है, उसने अपने तलवार को लेके शायद अब उस वो रिलेशनशिप को काट दिया है, या फिर वो अपने आप आइसोलेट हो गई है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड आइसोलेटेड रहती है, वो ब्लंट रहती है, वो बहुत ही ऑल दिस थिंग्स। तो वो बेसिकली क्या मनारा, क्योंकि वो सोच भी रहा है तो उसकी भी चीजें हैं, क्योंकि वो सोच रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से लेके कुछ चीजें, क्यों सोच रहा है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ, तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड को लेके कुछ चीजें सोच तो रहा है। क्या वो किसी तरह की बिगिनिंग चाहता है, क्या वो ये सोच रहा है कि उसको लेके बहुत हर्ट है, क्या वो किसी तरह की बिगिनिंग चाहता है? बट एनी वेज, वो चाहे नहीं चाहे वो बात नहीं है, ये प्रिडिक्शन है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन जुलाई, क्वीन ऑफ सोर्ड से रिलेटेड कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या तो कुछ दोस्ती हो सकती है या कुछ हो सकता है। बट येस, दिस इज हाउ ही इज फीलिंग, दिस इज हाउ द रीजन ऑफ वाई इज ही फीलिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने काम कर से मतलब रखने वाला है, बट यूनिवर्स उसके लिए कोई तरह की बिगिनिंग ला रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से रिलेटेड। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड कौन है, ये गेस कर सकते हैं कि मुझे लगता है मना रही है, बट वैसे तो कोई भी हो सकता है, कुछ क्लियरली नहीं बोला जा सकता है कि कौन स्पेशली है। ये देखो, ये देखिए, नाइट ऑफ कप्स, दिस गाय इज गोइंग एंड शी इज ऑफरिंग हर सिंग, तो कहीं ना कहीं उसी तरह की एनर्जी है। तो दिस इज व्हाट इट इज। अब मैं एक कार्ड यहाँ पे ले लेती हूँ, मुनावर फारूकी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है जुलाई के लिए। डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो, थैंक यू सो सो मच फॉर द गाइडेंस। ठीक है, ये वाला है, यस, उसको अकेलापन बहुत ज्यादा लग रहा है, हालांकि शादी की है, अकेलापन तो वैसे नहीं लगना चाहिए, बट देन इट दिस इज वॉट इट इज, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू दी इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस, इन दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। तो कहीं ना कहीं वो उसका दिल टूटा हुआ है, अकेलापन फील कर रहा है, ये सारी चीजें फील कर रहा है, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है, दिस इज वॉट इट इज, है ना? तो वही चीज है ना, टैरो से कभी कभी हमें, कभी कभी नहीं, हमेशा ही हमें सच ही पता चलता है। अब वो किसी को पसंद आए नहीं पसंद आए, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती हूँ ना, मैं तो टैरो कार्ड पढ़ सकती हूँ जैसा आ रहा है, और सही भी है, क्योंकि हार्ट ब्रेक आया है तभी वो स्कैसिटी की बिलीव है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत हैप्पी डैपी है, यहाँ पे डिफिकल्ट कार्ड आया है, यहाँ डिफिकल्ट, यहाँ पे डिफिकल्ट, यहाँ डिफिकल्ट, यहाँ बिगनिंग कुछ, तो वो चीज़ है। एक कार्ड जल्दी से लेके मैं रीडिंग को रैप अप करूंगी। गाइस, यू आर बीइंग हेल्प्ड इन दिस सिचुएशन, इज ही बीइंग हेल्प्ड, बोम, यस, डिफिकल्ट सिचुएशन, हेल्प चाहिए, क्या हेल्प आ रहा है, यस, इज ही बीइंग हेल्प्ड, यस, ऑल राइट, तो हो गया, और क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो। अगर लाइक्स इस पे सफिशियंट नहीं रहेगा गाइस, डू रिमेंबर आई कैन नॉट मेक द अनदर वीडियो, प्लीज डू रिमेंबर दैट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड जितनी मेहनत से मैं आपके लिए गाइडेंस लेके आती हूँ, आप भी थोड़ी एनर्जी वीडियो को दीजिए, अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड होके आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। अगर आप लाइक शाइक सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है हमारे लिए इतना मेहनत करके, इतना टाइम लगा के, इतनी एनर्जी लगा के वीडियोस बनाना, पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लीज लाइक द वीडियो ऑल्सो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू अगेन, बाय फॉर नाउ।